हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रिप्लाई स्टैक। तो गाइस फाइनली एक प्रॉब्लम यहां पर Y2 स्टूडियो ओपन करने से आ रहा है। वो ये प्रॉब्लम है कि लॉगिन आप कर रहे हो तो आपका अकाउंट जो है कि लॉगिन ही नहीं हो रहा, मतलब कि आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से दिख रहा होगा इंटरफेस, और लिखा हुआ यहाँ पर यह है यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज, मतलब कि आपको बोला जा रहा है आपके पास इस पेज को देखने की अनुमति नहीं है, मतलब कि परमिशन नहीं है। ठीक है, बल्कि अकाउंट मेरा भाई परमिशन क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे तो मैं बात करूंगा और इसको सॉल्व कैसे करता मैं ये भी बात करने वाला दोस्तों। और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ये भी है ट्राई लॉगिन इनटू एन अकाउंट दैट हैज़ परमिशन, मतलब बोला जा रहा उस खाते में लॉगिन करने की प्रयास करें जिसके पास परमिशन है, मतलब कि जिसके पास अनुमति है। इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, और ये जो प्रॉब्लम है गाइस ये मेरे चैनल के साथ हुआ जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ को मैंने सॉल्व किया है तभी जाके मैं जो कि वीडियो अपलोड कर पाया हूँ इस वाले चैनल पे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं इसके बारे आप लोगों को बताता हूँ, एंड तो एंड तक इस वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ गाइस, यहाँ पर दो लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और दो तरीका मैं बताऊँगा। ठीक है, जो दो फ़ोन में एक यूट्यूब चैनल को ओपन करके रखे हैं, पहला उसके पास ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, और दूसरा जो एक ही फ़ोन में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके रखे उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो मैं एक एक करके दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ एंड दोनों को बताऊँगा। तो चलिए फ़ोन के होम स्क्रीन पे चला जाता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो पहला जो दो फ़ोन में जो है कि अपना एक यूट्यूब चैनल को ओपन करके रखे है, तो चलिए मैं फाइनली यहाँ पे चला जाता हूँ फ़ोन के होम स्क्रीन पे एंड यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे Y2 स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, तो इस तरह से देख सकते हो प्रॉब्लम दिख रहा लाइव। ठीक है, बैक टू स्टूडियो कर रहे तो फिर से ये जो कि वहीं पर आ जा रहा। ठीक है, जो कि मेरा अकाउंट भी खुला हुआ था, तो यहाँ पे चलिए ट्राई अनदर अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो गाइज, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गाइज अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, और उसका नीचे लिखा हुआ टैप टू साइन इन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है कि देखने के लिए मिल रहा है, और नीचे वाला जो चैनल है गाइज वो मेरा सस्पेंड चैनल है, उसको नोटिस मत करना। ठीक है, ये ऊपर वाला मेरा जो है कि मेरा खुद का चैनल है। ठीक है, तो इस अकाउंट को कैसे लेकर के आना है अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एंड इसको आप लोग गाइज फॉलो करना। ठीक है, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर यू वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर चले जाना है। एड जाने के बाद स्विच अकाउंट कर देना है, देन इतना करने के बाद यहाँ पर साइन इन देख सकते हो, जो कि साइन इन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर सिंपली ले लेगा चेक इन इन्फो। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों को कर देना है, एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना, जो ईमेल आईडी में पासवर्ड है तो मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पर गाइज अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है जहाँ पे देख सकते 77 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन आप लोगों ने किया है, अगर दूसरे फ़ोन में अगर लॉगिन है तो वहाँ पे एक परमिशन जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला तो उस पे परमिशन गया, आप लोग सिंपली वहाँ पे अलाउ कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, तो आप लोग अलाउ करोगे तो आपको फिर जाके यहाँ पर देख सकते हो चेकिंग इन्फो यहाँ पे बताया जाएगा, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है कि सर्च लेगा, एंड यहाँ पर आपका अकाउंट जो है कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि आ गया, लॉगिन हो चुका है। ठीक है, साइन इन हो गया। ठीक है, पहला तो ये रहा, अब मैं आप लोगों को Y2 स्टूडियो पे दिखा देता हूँ ओपन करके। तो मैंने यहाँ पर जो कि ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर देख सकते हो स्विच अकाउंट में जाके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिप्लाई स्टैक जो है कि आ गया है, और मैंने यहाँ पे साइन इन भी कर लिया, देख सकते हो। बहुत इजी तरीका है, एक तो हो गया ये चीज़ जो कि बहुत इजी तरीके से जो है कि आपका अकाउंट आ गया है। बट आप लोगों के यहाँ पे दूसरा क्या है गाइस, दूसरा यहाँ पे ये है, दूसरा कोई फ़ोन में आपका चैनल नहीं खुला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर ये जो Y2 स्टूडियो है इसको सिंपली जा करके मतलब कि प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर आप लोग इन्फो पे जाना है, एंड जाने के बाद गाइस आप लोगों को क्लियर डाटा आप लोग कर देना है, एंड इतना करने के बाद गाइस आप लोग सिंपली फिर उसके बाद जो है कि अपना Y2 स्टूडियो को ओपन करना है, Y2 स्टूडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आई होप कि आप लोगों का जो है एक्सेस है वो आप लोगों को Y2 स्टूडियो पर मिल जाएगा, और आप लोगों को जो है कि वो लॉगिन वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आई होप कि गाइस आप लोगों का प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो चुका होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।